नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें, दिल्ली जल संकट पर हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पानी की बर्बादी को लेकर भी सीधा सवाल दिल्ली सरकार से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा है कि पानी की बर्बादी को लेकर क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा मामले में अब कल सुनवाई वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। साथ ही साथ ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो पानी की किल्लत को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और उसी को लेकर अब दिल्ली सरकार से तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए हैं, क्योंकि पानी की किल्लत दिल्ली में बनी हुई है। दिल्लीवासी पानी की कमी से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। टैंकर माफियाओं का मामला भी इस बीच निकलकर सामने आया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसका जिक्र किया गया और तमाम सवाल टैंकर माफिया को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार पर दागे गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अब फटकार लगाई है और साथ ही साथ तमाम सवाल दिल्ली सरकार के लिए किए सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दिल्ली सरकार से पूछा कि अभी तक उन्होंने जल संकट को लेकर क्या कुछ कार्यवाही की है, साथ ही साथ कितने समाधान तक वो पहुंचे हैं। अगर पानी दिल्ली को मिल रहा है तो वो पानी कहाँ जा रहा है, क्योंकि उस पानी से जो पूर्ति है दिल्ली वासियों की वो पूरी नहीं हो पा रही है। दिल्ली से आए दिन लगातार तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं पानी की किल्लत की और अपनी टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ओम शील लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। ओम, और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली जल संकट को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी भारती, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था दिल्ली सरकार द्वारा कि हमें हरियाणा से और हिमाचल से पानी नहीं मिलती है और वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जाता पर्याप्त मात्रा में, और जिस तरीके से यमुना का जल स्तर जो सामान्य जल स्तर होता है उससे 5 से 6 फीट तक कम था, तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और तमाम तरीके की हिदायत हरियाणा सरकार को भी दी गई और हिमाचल सरकार को भी दी गई है। लेकिन इस बीच अब दिल्ली सरकार को एक तरीके से फटकार लगा है और कहा गया है कि आप एक हलफनामा दाखिल करें और जो पानी की बर्बादी हो रही है उसको लेकर आप लोगों ने क्या कुछ कदम उठाए हैं ये बताएं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली भर में कई जगह ऐसे हैं जहां पर काफी पानी की बर्बादी होती है, कई सारे पाइप लीकेज हैं और तमाम तरीके के वेस्टेज हमें देखने को मिलते हैं, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब सवाल उठाया है और एक जिम्मेदारी भी गठित की गई है एडीएम और एसडीएम को कि जितने भी पानी लीकेज हो रहे हैं जगह जगह पर उस पर भी निगरानी रखी जाए और उसकी मॉनिटरिंग हो बजाबता कि आगे से पानी ज्यादा लीकेज ना हो पाए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है दिल्ली सरकार को, उसमें दिल्ली सरकार क्या कुछ कहती है और कल इसी मुद्दे पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है भारती। ओम, टैंकर माफियाओं को लेकर भी खास तौर पर जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट में लेकर, तो उसको लेकर अभी तक दिल्ली सरकार ने क्या कुछ कदम उठाया है? देखिए, टैंकर माफियाओं की अगर बात कहें तो दिल्ली सरकार जहां पर पानी कम है वहां पर लगातार टैंकर्स भेजती थी और कई लोगों को उसमें आरोप ये लगा कि कई लोगों को पानी वहां पे मिल पाता था, कई लोगों को नहीं मिल पाता था पानी। लेकिन अब इसमें जो टैंकर माफियाएं हैं उनका रोल सामने आ जाता है कि वो कई सारे जो प्राइवेट टैंकर्स हैं उनमें कई ज़्यादा रेट में वो टैंकर्स बुक कराते हैं और मन माने रेट में टैंकर्स बुक कराते हैं, तो उसको लेकर जब जनता दिल्ली की लगातार जब सवाल उठाने लगी तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में एक बार फिर से दिल्ली सरकार भी आ गई कि जो टैंकर माफिया हैं वो जो पानी का दुरुपयोग भी एक तरीके से कर रहे हैं और मनमाने रेट में वो लोगों तक पानी पहुंचा रहे, तो ये किस हद तक सही है? तो तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, अब दिल्ली सरकार को इस पर फटकार लगा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करने को कहा गया है भारती दिल्ली सरकार को, वो उसमें क्या कुछ रहता है उस हालतनामे में और दिल्ली सरकार अपना बीच बचाव कैसे करती है? दिल्ली में जो जल संकट है उससे दिल्ली सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है, आगे के लिए उसकी छवि किस तरीके से आप देख रहे हैं?
बिल्कुल, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार की अगर बात करें भारती, तो लगातार वो मुश्किलों का सामना कर रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो हम बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हो या फिर जो दिग्गज आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हो, वो जेल जा रहे हैं उसको लेकर परेशानी में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कठिनाइयां देखने को मिल रही है। लेकिन अब इस तरीके के जल संकट पर भी विवाद, क्योंकि आतिशी ने जिस तरीके से कहा पूर्व के दिनों में कि हमें हरियाणा से पानी नहीं मिल पा रहा, इसलिए हमें पानी की दिक्कत हो रही है, और ये राजनीतिक रूप आतिशी भी देने के लिए कोशिश की, उन्होंने यहां तक कहा वहां पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए वो वहां से पानी नहीं छोड़ा जा रहा हरियाणा से, तो कहीं ना कहीं इसको जब राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जब पूर्व के दिनों में सुनवाई चल रही थी, अभी भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जब पूर्व के दिनों में सुनवाई चल रही थी तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इसको राजनीतिक रूप नहीं दिया जाए, तीनों राज्य को हिमाचल दिल्ली और हरियाणा को मिलकर काम करना चाहिए और पानी की समस्या से जनता को छुटकारा मिलना चाहिए। पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है, आगे देखने वाली बात होगी कि कितना समाधान यहाँ पर पानी की किल्लत को लेकर हो पाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।